बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद, मैं हूँ सोनिया शेख और मैं हूँ ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन में आगे देखिए। अदल के नए बाप का आगाज, नवाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल, राजा रियाज मतवाले बन गए, एशियन क्रिकेट का सुल्तान कौन, बुलेटिन का आगाज। और आगाज पर आपको बताएंगे कि कराची में डाकू के सताए अवाम का रद्द अमल, बंस रोड पर कार सवार ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी है, लूटने वाले पर ही फायरिंग कर दी, एक डाकू हलाक और दो अवाम जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि मुलजमान कार सवार को लूटने की कोशिश कर रहे थे, शहरी ने फायरिंग करके तीनों डाकुओं को जख्मी कर दिया, एक डाकू हॉस्पिटल पहुँचने से पहले दम तोड़ गया और जबकि दो डाकू जख्मी हालत में सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए हैं। तो आपको बताते चलें कि कराची में डाकू के सताए आवाम ने रद्देअमल जाहिर करना शुरू कर दिया है, बंस रोड पर कार सवार ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी है, लूटने वालों पर फायरिंग की जिसके नतीजे में एक डाकू हलाक और दो जख्मी हो गए। खबर देंगे हालानाका से। हैदराबाद हालानाका रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, दो नौजवान जाबहक जबकि दोनों नौजवानों की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। और जाबहक नौजवान निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे जबकि एक नौजवान का ताल्लुक जिला नौ शहरों से है। आपको आगाह करें हैं इस हवाले से, हैदराबाद नाका रोड पर ट्रक की मोटरसाइकिल टक्कर से दो नौजवान जाबहक और दोनों नौजवानों की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं जबकि जाबहक नौजवान निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे और एक नौजवान का ताल्लुक जिला नौ शहरों फिरोज से है। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज हलफ उठाएंगे, वो मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस के तौर पर मनसब संभालेंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर्ड हो जाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कई केसेस के फैसलों के हवाले से जाने जाते हैं। इमरान वसीम की ये रिपोर्ट, मुलाहिजा कीजिए। नामजद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 17 सितंबर को ऐवान सदर में मुनक्किदा तकरीब में मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा 26 अक्टूबर 1959 को क्वेटा में पैदा हुए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 5 अगस्त 2009 में चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और 2014 में सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हुए। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज कई अहम फैसले दिए जिनमें फ़ौजी अदालतों के खिलाफ फैसला, हुदैबिया पेपर मिल्स, फैज़ाबाद धरना और ख़वातीन के विरासती हुकूक जैसे फैसले शामिल हैं। नामजद चीफ जस्टिस को चंद साल कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ओहदे के खिलाफ रेफरेंस का सामना भी करना पड़ा जो कलदम करार पाया। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालने के बाद कई चैलेंजेस का सामना होगा जिनमें जजेस बाहिमी इख्तलाफात, आर्टिकल 184/3 के इख्तियार के इस्तेमाल का तरीका और बेंच की तश्कील शामिल हैं। इमरान वसीम, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर हो गए। वो 1 साल 7 माह तक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस रहे। उनके मुतादित फैसलों को सराहा गया तो कई फैसलों पर हद्फ़े तनकीद बनाया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के 19 माह कई अहम फैसलों के हवाले से हमेशा याद रखे जाएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 7 अप्रैल को कासिम सूरी की तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ रूलिंग को कलदम करार दिया जिस पर हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने तनकीद के निश्तर चलाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आर्टिकल 63A की तशरी के जरिए हमजा शहबाज को वसरत आला से हटाकर परवेज इलाही को वसीर आला पंजाब बनाया तो PDM जमातों ने इन्हें आड़े हाथों लिया। 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने के इनके हुक्म पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। चीफ जस्टिस बंदियाल और हम ख्याल जजेस ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कानून 2023 को मुअत्तल किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सरदार तारिक मसूद को नज़रअंदाज करने पर सवाल उठे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल फौजी अदालतों के खिलाफ दरख्वास्तों पर भरपूर समातों के बावजूद मामला मंतकी अंजाम तक न पहुँचा सके। इमरान वसीम, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद।
चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफिसर्स और स्टाफ के साथ अलविदा खिताब किया। चीफ जस्टिस दौरान खिताब आप दीदा हो गए। उन्होंने दौरान खिताब खुद को डूबते सूरज से तशबीह दी, कहा मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है, आप लोगों का अभी वक्त बाकी है, सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क को मामूली और दीगर मुआशरी चैलेंजेस का सामना है, जब सब इकट्ठे होंगे तो ये बहरान नहीं रहेगा। कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए क्लियरेंस दे दी। वापसी के मामले पर लगी बैठक में अहम रहनुमाओं ने कह दिया कि मियां साहब पाकिस्तान पर वास कर सकते हैं। आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि नैब तरामीम का नवाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं। रास्ता साफ है, अब आप पाकिस्तान जा सकते हैं। कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल दे दिया। लंदन में नवाज शरीफ ने वापसी के मामले पर कानूनी टीम की बैठक लगाई। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारण, अमजद परवेज मलिक, अता तारण और इसहाक डार शरीक हुए। साफियों के सवाल का जवाब देते हुए साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा नैब तरामीम से नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं, उससे मियां साहब के केसेस का कोई ताल्लुक ही नहीं है। और मियां साहब का पहला भी मरियम नवाज साहिबा की जो बरियत है अमजद परवेज साहब ने वो मेरिट पे किया था, आर्ग्यू मेरिट पे लिया, अभी भी ही हैज वेरी गुड केसेस ऑन मेरिट्स। उसका इन अमेंडमेंट्स का मियां साहब के केसेस से मैं फिर बड़े वजाहत से कह रहा हूँ कोई ताल्लुक। इजलास में नवाज शरीफ की वापसी का लाया बल तैयार कर लिया गया। टीम ने कहा कि नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी पर मुकदमात में कानूनी मसाइल पर कोई मुश्किल दरपेश नहीं। नून लीग पहले ही ऐलान कर चुकी है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुँचेंगे। सुप्रीम कोर्ट से मुतनाज़ फैसले आए हैं। डिक्टेटर के कानून को बहाल, पार्लियमान की मंजूरी करदा कानून को मुस्तरद किया गया है। शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के हवारियों को एनआरओ देने के लिए दो मरतबा सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नैब कानून तब्दील किया गया। पूछना चाहता हूँ कि सदारती ऑर्डिनेंस के वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल कहाँ थे? राजा रियाज की नून लीग में शमूलियत से पार्टी को तकवीत मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन ये जो फैसला आया है 2-1 का, एक का डिक्टेटर, उसके कानून को काफी हद तक रिस्टोर किया गया, तब्दील नहीं किया गया। इसके साथ ये भी बताना चाहते कि जब इमरान नियाजी ने एक मरतबा नहीं दो मरतबा प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए नैब का कानून तब्दील किया था अपने हवारियों को एनओसी देने के लिए, उस वक्त बंदयाल साहब कहाँ पर थे? मोहतरम राजा रियाज साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, मैंने और पार्टी ने मुस्लिम लीग नून में उन्हें खुश आमदेद कहा है। पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनकी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने से पार्टी को इंशाल्लाह बड़ी तकवीत। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि 17 माह मुआशी फैसले अकेली नून लीग में नहीं, हुकूमत में शामिल तमाम जमातों ने तफाक राय से किए थे। बिलावल भुट्टो की तनकीद से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कुछ महीने पहले असेंबली फ्लोर पर बिलावल ने कहा था कि लोगों के लिए डार और मेरे लिए डार अंकल हैं, तो बिलावल भी लोगों के लिए साहब लेकिन मेरे लिए बेटे की तरह हैं, बेटे की बात का कौन बुरा मानता है? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से इत्तेहाद की बातें कबल अस्वत हैं। तो बिलावल साहब ने कहा था ना फ्लोर पे, अब तो अभी चंद महीने हुए हैं कि लोगों के लिए डार साहब हैं तो मेरे लिए तो डार अंकल हैं, तो लोगों के लिए बिलावल साहब हैं, मेरे लिए बिलावल बेटा है, तो अब मैं एक बेटे का क्या जवाब दूँ? देखें, ये ग्रेसफुल नहीं होता। आपने इकट्ठे 15 महीने हर फैसला कंसेंसस के साथ हुआ, और मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने बड़ी मैग्नैनिमिटी के साथ तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेके चले। ये थोड़ा सा प्री मेच्योर है अलायंस के हवाले से, क्योंकि डिपेंड करता है रिजल्ट्स क्या आते हैं। मियां साहब इंशाल्लाह जी 21 अक्टूबर की जो अनाउंसमेंट हो चुकी है, इंशाल्लाह पार्टी का वही फैसला है, और हम जहां तक लीगल मामला आते हैं वो बिल्कुल मियां साहब को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। उनका जो इलेक्शन लड़ने का है 62(1)(f), वो पार्लियामेंट उसका कानून पास कर चुकी है, जिसकी सदर अप्रूवल भी दे चुकी है। मुल्क का कानून है कि 62(1)(f) के तहत 5 साल की नाअहलियत सिर्फ हो सकती है, और ना सिर्फ मियां साहब बल्कि दर्जनों लोगों को उसका फ़ायदा हुआ है। हुकूमत ख़त्म होते ही मुखालिफ बन गए साथी, नून लीग वाले राजा रियाज को अच्छी तरह पहचान गए। शहबाज शरीफ की हुकूमत में अपोजिशन लीडर रहने वाले राजा रियाज शहबाज शरीफ की जमात का हिस्सा बन गए। राजा रियाज ने नून लीग में बाकायदा शमूलियत का ऐलान किया और इख्तियार कर ली।
मैं मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे इत्मीनान किया है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बेहतरी, मजबूती और मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जिस तरह पूरा पाकिस्तान इस वक्त मुतरक है, मैं भी अपना इसमें आज के बाद मैं इसका हिस्सा हूँ और अपना भरपूर रोल अदा। मैंने तो 15 फरवरी की डेट दी हुई है, ऑलरेडी हफ्ता पहले और हफ्ता बाद हो सकता, फिर मियां नवाज शरीफ साहब 16 माह के हम निवाला और हम प्याला दस्तों गिरेबां होने लगे हैं। पीपी रहनुमा नदीम अफजल ने नून लीग को वोट की इज्जत के नारे का ताना दे दिया। जवाब में हनीफ अब्बासी ने कहा कि भुट्टो जिंदा नहीं है। नदीम अफजल चंद ने मजीद क्या कहा, आप जान लीजिए। जब किसी कोई अपने नजरिए से भागा है तो हम तो अपने नजरिए से नहीं भागे। किसी का नजरिया कभी वोट को इज्जत होता है तो कभी कोई और हो जाता है। अब अगर कोई अपने वोट को इज्जत दो के नजरिए से भागा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है? एक पार्टी ने अपनी सियासत करनी है, वो एक ही बहेंगे, भुट्टो जिंदा है। भुट्टो जिंदा नहीं है, खुदा के लिए भुट्टो मर चुका है। इदारों के पीछे छुपना अच्छी बात नहीं होती सियासी जमातों की, हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। चेयरमैन की पुख्तगी ने आपको कहा कि आईनी तरीका इस्तेमाल करें और आईनी तरीके के जरिए आपको वजीर आजम बनाया। लोग कहते हैं आप किस कारकर्दगी पे इलेक्शन लड़ेंगे, भाईजान हमें 16 माह का ना पूछें, 16 माह में 13 जमातें थी, हमें पूछें 2013 से 18 तक की कारकर्दगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा ने हनीफ अब्बासी को मुनाजरे का चैलेंज दे दिया। कहते हैं कि जैसी सियासी औलाद आज भी भुट्टो की नफरत में मुब्तला है। अक्सर सुनते थे कि जब नून लीग मुसीबत में हो तो पांव पड़ती है और जब वहां से बच निकले तो फिर गिरेबान पकड़ती है। हनीफ अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें जो उनका अंदाजे बयां था वो इंतहाई जो है एक घटिया और भूंडी हरकत थी। आपका लीडर 10-10 साल सियासत ना करने के वादे करके चला जाए, आप उसे फिर भी लीडर कहते हैं, और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जैसा शख्स जो सीना तान कर फांसी के फंदे को अपना मुकद्दर बना ले उसको आप कहते हैं कि वो मर गया है। आदमी अपने कामों से जिंदा रहता है, आदमी मौत से कभी भी नहीं मरता। मैं आपको गिनवाऊं कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जनाब आसिफ अली जरदारी, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने इस मुल्क को क्या दिया है और आपने और आपके लीडर ने क्या दिया है। सियासत में बदतमीजी की मजम्मत करते हैं पीपी रहनुमा शाजिया मरी का भी हनीफ अब्बासी के बयान पर रद्द अमल में क्या कहा, जान लीजिए। अफसोस हुआ है कि जो बयानबाजी की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहीद कायद के हवाले से जो अभी बयान आया है, मैं उस बयान की सख्त मजम्मत करती हूँ। जिस तरह की बदतमीजी हमने आज देखी है, हम इस फोरम से मजम्मत करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन को ये बावल कराना चाहते हैं और ये याद दिलाना चाहते हैं कि आपने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ बैठकर मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। हम ये समझ रहे थे कि शायद आप इस मुल्क में सियासी इस्तेकाम और जमहूरी तसलसल देखना चाहते हैं, लेकिन अगर वो ढोंग था तो आप हमें बता दें, अगर वो नाटक था तो आप हमें बता दें। अमन व अमान और सरहदी सूरत हाल के बावजूद इलेक्शन इल्तवा का इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। निगरान वज़ीरे आज़म अनवारुल हक़ आसफ़ ने अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू, कहा हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन का ऐलान जल्द होगा। वज़ीरे आज़म ने सियासी इंतकाम का तासुर भी मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान में किसी का नाम भी लेने पर कोई पाबंदी नहीं है। रावलपिंडी में गैर मुल्की करेंसी का गोदाम बरामद, अब तक पाकिस्तानी 40 करोड़ रुपए की रकम सामने आई है। 8 मुलजिमान को भी पुलिस ने धर लिया है। ज़राए का कहना है कि प्लाजा में दीवारों और ज़मीनों पर डिजिटल सेफ में रकम छुपाई गई थी, जबकि मुलजिमान की निशानदेही पर पुलिस की जेहलम में कार्रवाई, मुख्तलिफ करेंसी डीलर से 32.64 करोड़ 66 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। रावलपिंडी में गैर मुल्की करेंसी का गोदाम, मरी रोड निजी प्लाजा पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का छापा, गैर मुल्की करेंसी और डॉलर्स बरामद कर लिए। जराए का कहना है कि प्लाजा में दीवारों और जमीनों पर डिजिटल सेफ में रकम छुपाई गई थी, अब तक 40 करोड़ रुपए की रकम सामने आई है। 8 मुलजिमान को भी पुलिस ने धर लिया। मुलजिमान की निशानदेही पर जहले में बड़ी कार्रवाई, हसास इदारों की मालूमात पर करोड़ों की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद, मुख्तलिफ करेंसी डीलर से 32.64 करोड़ 66 लाख रुपए बरामद कर लिए गए। 4 मुलजिमान को भी धर लिया गया। जराए का कहना है कि गैर मुल्की करेंसी और हवाला हुंडी के कारोबार करने वालों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयों का भी इम्कान है।
चोरों की अब एक नहीं चलेगी बिजली, आटा चीनी चोरों के खिलाफ शहर शहर क्रैक डाउन। बड़ी तादाद में जखीरांदोजों ने आटे और चीनी की बोरियां चोरी की थी, वो अब बरामद कर ली गई हैं और बिजली चोरों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की गई हैं। शहर शहर क्रैक डाउन और छापे, मुतादिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए, मुकदमात भी दर्ज हुए। सखर, घोटकी, लड़काना, शिकारपुर और दादू सर्कल में बिजली चोरों के खिलाफ 224 मुकदमात दर्ज। 912 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई, 2,62,75,671 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। फैसको की समुन्द्री में कार्रवाई, 25,00,000 जुर्माने वसूल, मुकदमात भी दर्ज। फैसको की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन, 6,76,00,000 रुपए से जायद के जुर्माने आयद, 400 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज। फैसको की बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां, 137 बिजली चोर पकड़ लिए गए, 10,86,00,000 रुपए जुर्माने आयद, 1,62,00,000 की रिकवरी कर ली गई। कसूर लैसको का क्रैकडाउन, 1,530 बिजली चोर पकड़ लिए। गुजरांवाला बिजली चोरों की तादाद 466 हो गई। मंडी भाउद्दीन, शुगर माफिया, जखीरा अंदोजों के खिलाफ घेरा तंग, 1,500 चीनी की बोरियां बरामद, गोदाम को सील कर दिया गया। सरगोधा में जखीरा अंदोजों के खिलाफ इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी, 3,300 चीनी की बोरियां बरामद, गोजरा चीनी की 800 बोरियां बरामद, सखर, खैरपुर, घोटकी और कंबर शादात कोर्ट में 3,71,700 गंदम की बोरियां शामिल हैं। खैरपुर, सिंघार और घुटकी से यूरिया की 5,750 बोरियां मिल गईं। कंबर शादात कोर्ट से 1,000 खाद की बोरियां और खैरपुर से 83,200 लीटर खुरदनी तेल भी बरामद हुआ। हुकाम का कहना है कि मुल्क को बहरान से निकालने के लिए क्रैक डाउन जारी रहेगा। कोयटा वाली तंगी में शहीद सूबेदार कैसर रहीम को कोर्ट अदू में सुपुर्द दिखा कर दिया गया। नमाज जनाजा में अस्करी और सिविल हुकाम अजीजो अकारब की शिरकत। कोयटा जेल रोड पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक पुलिस अहलकार शहीद हो गया। शहीद अहलकार की शनाख्त सैयद अहमद के नाम से हुई है। मुसल्ला अफराद फायरिंग के बाद फरार हो गए, वाकई की तहकीकात जारी है। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस की कार्रवाई, 2 रोज पहले लापता होने वाली 13 साला वजीहा को बाजियाब करवा लिया गया। मुलजिम को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम शायान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि घरेलू मुलाजमा वजीहा गुज़िश्ता रोज मालिकिन के घर से पैसे लेकर निकली और लापता हो गई थी। रावलपिंडी में आवाम ने अपनी मदद आप के तहत चोरों और राहजनों को पकड़ना शुरू कर दिया है। अडियाला रोड बोन शरीफ के नौजवानों ने 3 डाकू पकड़े और थाना चविंतरा पुलिस के हवाले कर दिए हैं। डाकुओं का ताल्लुक चक बैली खान और उसके नवाही इलाकों से है। खबर देंगे आपको कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफे का बम भी गिरा दिया। 15 से 20% तक किरायों में इजाफे ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। मुल्क भर में महंगाई का राज, इदारा शुमारियात के मुताबिक तमाम शुमारों में महंगाई का एतराफ़ है और मुल्क भर में आटे का 20 किलो के थैले की कीमत अब गरीब और मतवसत तबके की पहुँच से भी बाहर हो गई है। ट्रांसपोर्ट्स के किरायों में 15 से 20% इजाफे का बम, लाहौर से दूसरे शहरों के किरायों में 300 से 400 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। लाहौर से कराची का किराया 6600 से बढ़कर 7000 रुपए कर दिया गया। मुल्क में महंगाई का राज बरकरार, आटा चीनी सब महंगे दामों दस्तियाब। सरकारी अदादो शुमार आवाम पर पड़े महंगाई के बोझ का एतराफ करने लगे। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे की थैली की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड। शहर कायद में 20 किलो आटे की थैली की कीमत 3200 रुपए हो गई। हैदराबाद में आटे का 20 किलो का थैला 3100 रुपए में फरोख्त होने लगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद में 3000 रुपए, रावलपिंडी में 2933 रुपए तक 20 किलो आटे का थैला दस्तियाब है। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला और फैसलाबाद में 20 किलो आटे की कीमत 2800 रुपए रही। लाड़काना में 2900 और पिशावर में 2800 रुपए 20 किलो आटे के थैले की कीमत रिकॉर्ड की गई। मुल्क में सबसे ज्यादा महंगी चीनी इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पिशावर में फरोख्त हो रही है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पिशावर में फी किलो चीनी की कीमत 180 रुपए फी किलो तक रही। कराची और लाहौर में चीनी की कीमत 175 रुपए, फैसलाबाद और लाड़काना में 170 रुपए रिकॉर्ड हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम रो पड़े। बोल न्यूज के माइक पर इकदाम को जालिमाना करार दे दिया। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना था आप भी जानिए। किसी इसमें भी नहीं जा सकते कि 3 दिन की जाके सोग मना लें, कुछ कर लें, कोई फायदा नहीं। सर, गरीब आदमी के लिए तो अब जिंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। करना क्या, नलैकी जिंदाबाद है, इसकी वजह कितना वजन डालेंगे आवाम के ऊपर। सर, गवर्नमेंट तो सरप्राइज ही देने के लिए आई है और लग रहा है कि सरप्राइज देते देते आवाम फारिग हो जाएगी हमारी। भाई, गरीब आदमी मर गया, पेट्रोल पवा पवा के इतना महंगा हो गया हुआ कि रोटी खाइए या पेट्रोल पवाइए। यहाँ पे किसी से अपील नहीं की जा सकती जी, ये सारे अपनी मर्जी से पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। एक माफिया है मुल्क में। 26 रुपए वादे गया है, को पूछने वाला ही कोई नहीं इनको।
भाई या बच्चों को खाना खिलाएंगे तो या फिर पेट्रोल डालेंगे। पेट्रोल की कीमत 332 रुपए कर दी है, अब हम स्टूडेंट्स कहाँ जाए। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने गुफ्तगू में कहा कि यकुम रबीउल अव्वल पीर 18 सितम्बर को होगी जबकि 12 रबीउल अव्वल बरोज जुमा 29 सितम्बर को होगी। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का इस हवाले से कहना था कि जोनल रोयते हलाल कमेटियों को कहीं से शहादत मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह रबीउल अव्वल का चांद नजर आने की कोई शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रोयत रही, लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम रबीउल अव्वल 1445 हिजरी 18 सितंबर 2023 बरोज पीर को होगी और इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी 29 सितंबर 2023 बरोज जुमतुल मुबारक को होगी इंशाअल्लाह। खेल के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं कि कौन बनेगा एशिया का किंग। एशिया कप का फाइनल आज श्रीलंका और भारत के दरमियान होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा और पिछले मैच में श्रीलंका ने भारतीय टीम को सिर्फ 213 रन्स पर ऑल आउट कर दिया था। दोनों टीमों का एक एक अहम खिलाड़ी इंजरीज के बाहर मैच से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा झटका, फास्ट बॉलर नसीम शाह के वर्ल्ड कप से बाहर होने का खदशा। दुबई में कंधे का स्कैन टेस्ट मुकम्मल, कंधे के पटों में खतरनाक इंजरी का इंकशाफ हुआ है और कंधे की तकलीफ फास्ट बॉलर को कम से कम 6 माह क्रिकेट मैदानों से बाहर कर सकती है। तर्जुमान पीसीबी का इस हवाले से कहना है कि मेडिकल पैनल मजीद जायजों की बुनियाद पर फास्ट बॉलर की क्रिकेट में वापसी का फैसला करेगा। सितारों से आगे एक जहां और भी है। पाकिस्तान की बहादुर पोलर एडवेंचरर नुमैरा सलीम 5 अक्टूबर को पहली बार पाकिस्तानी परचम खला में लहराएंगी। नुमैरा सलीम अमेरिका से कमर्शियल खलाई जहाज को इमदाद में ले जाने के बाद पहली पाकिस्तानी खलाबाज होने का एतराफ हासिल करेंगी। नुमैरा सलीम इससे कबल वतन के झंडे को नॉर्थ पोल और साउथ पोल में भी लहरा चुकी हैं। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में ड्रोन चौक के जरिए अमेज़न के जंगलात बचाने के पैगाम, मुख्तलिफ तस्वीर की मदद से जंगलात को अहमियत दी गई और इसकी अहमियत को भी मजीद उजागर किया गया। और बुलेटिन के अख्तिताम पर एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे कि एक वबा इंसानी जिस्म को कंट्रोल करने लगी है, लोग वहशियाना तरीके से मरने लगे हैं। हॉलीवुड हॉरर फिल्म द पपेट मैन का ट्रेलर जारी, फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।